उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी बोनलेस फिश करी की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं जी। तो बोनलेस फिश करी के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक मैंने प्याज लिया, उसको मैंने काट लिया। दो हरे प्याज लिए हैं, हरा धनिया, तीन हरी मिर्चें उनको काट लिए मैंने। एक टमाटर, इसको मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। हाफ लेमन जूस। फिश लिए, ये मैंने बासा फिश फिलेट लिए हैं, आप कोई भी फिश ले सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक अस पे ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ये ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने ग्राइंड कर लिया था 1 टीस्पून। ये कुछ सूखे मसाले लिए हैं मैंने, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए, 4 से 5 काली मिर्चें, 2 लौंग, 1 मोटी इलायची, 5 पीस मैंने लहसुन के लिए, ज़ीरा 1 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, ऑयल हस पे ज़रूरत। सबसे पहले मैं फ़िश को मैरिनेट कर लूँगी। देखिए, हाफ लेमन जूस डाल रही हूँ मैं। ये फ़िश में हाफ टी स्पून मैं मसाले डालूंगी, हाफ टी स्पून मैं ग्रेवी में डालूंगी। ये मैंने हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल दिया, ज़ीरा और सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक। ये कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल दिया मैंने। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखो, फिश का मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया। अब मैं इसको ये क्लिंग रैप से रैप करके 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें, मैंने ग्राइंडर जग में टोमेटो पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1/2 कप से कम पानी लिया और टमाटर डाल लिया। मैं इसको ग्राइंड करके ये देखें जी, मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए। अब मैं फ़िश के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। ये देखें, एक कढ़ाई दी है मैंने, उसमें हस्ब ज़रूरत ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें प्याज डाल के फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, प्याज फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, आप चॉप करके या फिर इसकी पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन डाल दिया मैंने, अब मैं साथ ही हरे प्याज डाल रही हूँ, सब्ज मिर्च, धनिया में आखिर में डालूंगी, इसको भी फ्राई कर लें। हरे प्याज की इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अभी मैं साथ ही इसमें मसाले डाल रही हूँ जो मैंने सूखे मसाले लिए थे, ज़ीरा। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। अब मैं साथ ही दूसरे मसाले डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, हल्दी, ये सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। इनको अच्छे से मिक्स करके मैं साथ ही टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। देखिए, मसाला पक रहा है, साथ में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं।
अब मैंने दही को फेंट लिया और दही डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हिलाकर 5 मिनट के लिए मैं इसको दम दे रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। ये देखिए जी, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और फिश फ्राई कर लूंगी। ये देखिए, एक मैंने दूसरा पैन ले लिया, इसे मैंने गर्म कर लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए फिश मैरिनेट हो चुकी है, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फिश को मैंने पहले धो के थोड़ा 10 मिनट के लिए सिरका लगा के सिरके में मैंने भिगो दिया था। तकरीबन 2 टेबलस्पून लेके मैंने इसको सिरके में भिगो दिया था। फिर उसके बाद मैंने पानी से इसको दोबारा धो लिया था। ये देखिए फिश फ्राई हो रही है, अब मैं इसको पलट लूँगी। ये देखिए फिश फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप सारे पीसेस को फ्राई कर लीजिए और ये बहुत जल्दी गल जाएगी क्योंकि बोनलेस है तो बहुत जल्दी गल जाएगी। लीजिए जी, मेरी सारी फिश फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको मसाले में डाल रही हूँ। ये देखिए जी, चूल्हा मैंने दोबारा से ऑन कर लिया था, अब मैं इसमें फिश डाल रही हूँ। ऐसे करके इसको दम दे दें। ये देखिए जी, मैंने फिश की ढेर लगा दी, अब इसको चम्मच नहीं आपने चलाना क्योंकि ये टूट जाएंगे सारे इसके पीसेस। और मैं बिल्कुल इसको साइड से थोड़ा सा ये पानी डाल रही हूँ। पानी आप हंस पे ज़रूरत जितनी ग्रेवी आपने रखनी है डाल लीजिए। मैं तकरीबन आधा कप डाल रही हूँ, एक साइड से डालूंगी ताकि फिश टूटे नहीं। अब इसको मैं बिल्कुल चम्मच नहीं चलाऊँगी, इसको मैं कढ़ाई से ऐसे मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा ज़ीरा और सब सूखा धनिया, थोड़ी सी सब्ज मिर्च, थोड़ी सी धनिया। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दे रही हूँ क्योंकि ये फिश और मसाला ऑलरेडी पक चुका है। इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। ये देखिए, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे डिश आउट कर रही हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना क्योंकि फिश ऑलरेडी गल चुकी है। ओके, मैं अब फिश डिश आउट कर रही हूँ। लीजिए जी, मेरी मज़ेदार सी बोनलेस फिश करी तैयार है और ये वाकई बहुत मज़े की बनी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे। अगली रेसिपी में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।